ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे बुध राशि परिवर्तन के बारे में। बुध अभी तक मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 7 जून को मित्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा राशि परिवर्तन का, आपकी राशि के ऊपर इसकी जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, चंद्र राशि नहीं मालूम है तो पश्चिम नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। गत वीडियोस में हम बुध के बारे में बता चुके हैं, बुध का रिलेशन किन किन चीज़ों से होता है। हम डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं और आपसे चर्चा करते हैं कि बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव घटित होगा। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मीन राशि वाले जातकों के ऊपर बुध राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। 7 जून सायंकाल 7:44 पर मित्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और जो मीन राशि वाले जातक हैं आपके ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, आप थर्ड हाउस में है मित्र राशि में, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा कि मान सम्मान में, यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो नकारात्मक सोच चल रही थी सकारात्मक सोच में बदलेगी। हालांकि आप शनि की 37.5 सेटन से, आप मतलब शनि की 37.5 से भी मीन राशि वाले जातक, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, नकारात्मक सोच से बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, नए संबंध नए कम्युनिकेशन आपके स्थापित होंगे, वहां से आप लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन मित्र वर्ग सहकर्मी पड़ोसी वेल विशर मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे, उनसे आप लाभ गेन करेंगे, परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी। लेकिन भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। कोई निर्णय अगर आप ठीक है, आप प्लानिंग कीजिए प्रयास कीजिए, लेकिन उसको अमली जामा 24 तारीख के बाद करना है, फाइनल डिसीजन 24 तारीख के बाद लें। 24 तारीख तक अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई मकान में प्रवेश करना या कोई वाहन घर में लाना, कोई संपत्ति की डील करना, तो हो सकता है आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई प्रॉब्लम, कोई वाद विवाद कोई क्रिएट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो सकती है। लेकिन 24 तारीख के बाद अगर आप ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप यहाँ पर लाभ गेन करेंगे, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। लेकिन 24 तारीख के बाद, 24 तारीख तक थोड़ा जल्दबाजी में मत तो कोई भी कार्य मत करें, आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन 24 तारीख तक उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और उनसे व्यर्थ लाभ व्यर्थ आर्ग्यूमेंट मत करें, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद बनाए रखें, मतलब माता जी की तरफ से भी कोई लॉस कोई नुकसान, घर में सुख संसाधनों में कमी, अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। 24 के बाद स्थिति बिल्कुल एकदम आपके अनुकूल आ जाएगी, आपके पक्ष में आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस या प्रॉब्लम, क्योंकि सप्तमेश है तो प्रॉब्लम एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप डिस्टर्ब, एक दूसरे के प्रति संतुष्टि के भाव में कभी संबंध खराब हो सकते हैं और तो आप एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित रह सकते हैं, यानी संतुष्टि के भाव में कभी आएगी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपस में पति पत्नी बीच में क्रिएट हो सकती है। नए विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं, कोई रुकावट है, कोई व्यवधान क्रिएट हो सकता है, संबंध भी विच्छेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में धोखा चिटिंग या पहले से चल रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम या संबंध विच्छेद आपकी। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। 24 तारीख के बाद कोई भी निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, फिर आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, नए विवाह शादी के संबंध भी बनेंगे, प्रेम संबंधों का लाभ मिलेगा। लेकिन 24 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, 24 के बाद स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। चोट फेट एक्सीडेंट पैसा फंसना अटकना बनते कामों में अड़चने रुकावट, ये सारी चीजें भी यहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार आप अपनी लग्न कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, जब दोनों चीजें टैली होती है, उनका एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम सामने आते हैं, सारी स्थिति स्पष्ट होती है, उससे आप लाभान्वित भी होते हैं और आपका मार्गदर्शन भी होता है। अगर मीन राशि वाले जातक देखिएगा, आप 37.5 शनि की 37.5 से आप जूझ रहे हैं, आपके शरीर के ऊपर चढ़ती हुई है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो शनि आपको दे ही रहा है अब तक। लेकिन फिर भी अगर मीन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे, यह परिवर्तन भी आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी
बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल है, आपके पक्ष में नहीं, तब संभवत है काफी दुष्प्रभाव ग्रहों के देखने को मिल सकते हैं और रुकावटें और परेशानियां कुछ समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, और विश्लेषण कराने के साथ साथ जरूरी बनता है ओम गंग गणपते नमः, ओम भूंग बुधाय नमः, श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर हनुमान जी की आरती कीजिए, और शनिवार को मंगलवार को शुद्धता से रहें, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, और साथ में आप बुधवार को हरि दूर्वा आप गणपति भगवान को अर्पित करें श्रद्धा पूर्वक, और लगातार कंटिन्यूटी में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।